ये बताओ कि डॉग अर्जेंटिनो ब्रीड को कैसे ट्रीट करें, कौन लोग लें कौन लोग ना लें, और लेने के लिए डाइट वगैरह कैसे है। रहते हैं एग्रेशन, सबसे मेन चीज है एग्रेशन। एग्रेशन देखो आपके सामने है भैया, एग्रेशन इसका कुछ नहीं होता। हाँ जी, एक हवा लोगों ने बना रखा है। हाँ जी, देखो आप किसी भी डॉग को अगर रखते हो, एनर्जेटिक ब्रीड है, इतनी डरो नहीं, आपको पीछे जाने की जरूरत है। ये ज्यादा से ज्यादा खेलेगा आपके साथ कपड़े के ऊपर। ये देखो खेलना शुरू, बट कंप्लीट डॉग चाहिए। मैं डॉगों को कंप्लीट डॉग बोलता हूँ, कंप्लीट मतलब सारी चीजें हैं। ये फैमिली डॉग है या फिर हंटिंग डॉग है या फिर ये कंप्लीट डॉग है। हाँ जी, ये आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, प्यार भी करेगा, गार्ड भी करेगा, बैठ लेगा आपके सामने भी खड़ा हो जाएगा। सूरज भाई डॉगों का पपी देखो कितना छोटा सा, 17-18 डेज अभी इसकी एज है। ओके, देखो ये कितना प्यार कर रहा है अभी से, जानने लगा है अपने मालिक को। What is up everybody, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है बिहार में लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके, जिसका कमेंट आप लोग बहुत ज्यादा करते हो मुझे कि भाई डॉग अर्जेंटिनो का कैनल दिखाओ, डॉग अर्जेंटिनो की वीडियोस लेकर आओ। तो गाइस बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। देन वीडियो में गाइस आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जितनी भी क्यूरीज होंगी, वो सारी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि मैं आ गया हूँ भाई उत्तम भाई के कैनल पे, जो कि काफी टाइम से इस डॉग के लाइन में है। तो बहुत काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो सारा कुछ शेयर करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी तरीके, लेट्स गो। तो कैसे हो उत्तम भाई? ऑल गुड। तो गाइज उत्तम भाई हमारे जाने जाते हैं डॉग अर्जेंटिनो ब्रीड्स के लिए। फरीदाबाद में मैंने इनकी काफी वीडियोस कवर करी हैं, और आपके काफी सारे डाउट्स थे जो हमारे भैया ने सारे सोल्यूशन निकाला है। तो मुझे बताओ डॉग अर्जेंटिनो ब्रीड के बारे में, क्योंकि जितनी भी ऑडियंस है ना थोड़ा कंफ्यूज रहती है इस ब्रीड को लेके, और मेरे हिसाब से जो इसका जितने भी डाउट्स हैं, ओपिनियंस हैं, वो एक ब्रीडर ही बता सकता है, क्योंकि ब्रीडर ने टाइम दिया उनको। डॉग को ब्रीड करते मुझे करीब 4-4.5 साल हो गए। 4-4.5 साल हो गया बिल्कुल। ओके, और मैं ओनली डॉग को करता हूँ। हाँ जी, आपको पता है बहुत अच्छे से। ओके, यहाँ भी आप देखोगे तो सिर्फ डॉगों से ही आपको देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जैसे ये ब्रीड है, आपने ब्रीड के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगा मेरे से। ओके, तो ब्रीड मेनली ये हंटिंग एथलेटिक ब्रीड है। हाँ जी, हाँ जी, जो कि गूगल वेरीफाई कर रखा है, गूगल ने बोल रखा है। ओके, टेम्परामेंट इसका काफी वेरिएबल होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू ओनर, अकॉर्डिंग टू कैसे आपने डॉग को ट्रेन किया है, रख रखाव किया। ओके ओके, और बाकी ये सारा कैनल टूर इनका देखो बहुत ही अच्छी तरीके से जुगाड़बाजी से बढ़िया कर रखा है जो सेटअप है। हाँ जी, जी, ये देखो, ये इस डॉग का नाम क्या है जरा मुझे बताओ? मैसी है गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इसको कवर करा है, मैसी। ओए होए, और इसका हेड देखो भाई आप, बहुत ही शांत है, काफी प्लेफुल है। हाँ जी, और हम तो भाई पहली बार ही आ रहे हैं, हमारे सामने भी कुछ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि उत्तम भाई खड़े हैं अभी, ऑफ लीश भी आपको शो कराया था, सुबह मॉर्निंग वॉक पे ले गए थे। अभी देखो ये खुजली करने के लिए ऐसे करते, तो ये टेम्परामेंट है इनका। ओके ओके ओके, टेम्परामेंट जो है वो आप लाइव देख सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, काफी शांत, काफी प्लेफुल, काफी फ्रेंडली, इंसानों को ढूंढते हैं खेलने के लिए। ओके ओके, और मुझे एक चीज और बताओ, सबसे पहले यहाँ पे डॉग कितने हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ, लोगों को अंदाजा लग जाएगा एक बार एक्सपीरियंस क्या। मेरे पास अभी 13-14 डॉगर्स हैं। 13-14 डॉग अर्जेंटिनो टाइम पे हैं अभी, जिसके अंदर 10 ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर हैं। हाँ जी, बाकी अभी पपी स्टेज में है। ओके, और मेरे पास अभी 2 लीटर हैं जो सेल पे हैं। ओके ओके, तो बेबीज वगैरह तो होते रहते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। और इसमें देखो अंदर भी आप अगर लाइक जूम करके मैं आपको दिखाऊँ, मस्त बेला सो रही है हमारी। ओए होए होए, और ये अच्छी चीज़ है कि ये ओनर की ना आवाज पहचानते हैं सारे डॉग्स। ये देखो सारे डॉगी अलर्ट हो चुके हैं। ये देखो, तो मुझे बताओ कि डॉग अर्जेंटिनो ब्रीड को कैसे ट्रीट करें, कौन लोग लें कौन लोग ना लें, और लेने के लिए डाइट वगैरह कैसे रहते हैं। एग्रेशन सबसे मेन चीज है, एग्रेशन। एग्रेशन देखो आपके सामने है भैया, एग्रेशन इसका कुछ नहीं होता। हाँ जी, एक हवा लोगों ने बना रखा है। हाँ जी, देखो आप किसी भी डॉग को अगर रखते हो, एनर्जेटिक ब्रीड है, एनर्जेटिक डॉग है, सबसे पहले बता दूं बहुत ही हाई एनर्जी इनकी होती है। ओके ओके, ठीक है, जिसको ड्रेन करना डेली बेसिस पे जरूरी, बहुत जरूरी है। तो आपने उसी से आते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपने पूछा कौन से लोग लें कोई कौन भी से लोग ना लें। हाँ, अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है तो, और आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है इनको देने के लिए तो ओके, ठीक है, मैं भी आप पूरे दिन मेरे साथ हो, ठीक है। हाँ जी, और आपने देखा मॉर्निंग इवनिंग मैं मेनली इनको टाइम देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। मॉर्निंग इवनिंग जरूरी है, वॉक देना, इनको फीड करना, ओनर अगर खुद से फीड करे तो बेटर है, ठीक है। और टेम्परामेंट बहुत ही शांत होता है डॉग का। ओके, अनटिल एंड अनलेस आप उसे बांध के, बंद करके, कैद करके ना रखें। और सिंपल क्या करें ना, इनके कैनल में इतना स्पेस है ना, लाइक मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर 50 डॉग अर्जेंटिनो भी रहेंगे ना तो कोई भी इश्यू नहीं आना। क्यों सर,
क्योंकि सबको फ्रीडम है। ये देखो, ये देखो, बहुत ही बढ़िया। ये खुजली करने के लिए करते हैं। अच्छा, ओके, अंदर बहुत ही बढ़िया। अरे देखो, एग्रेशन का तो ओनर पे डिपेंड है। ये देखो हालत, प्यार है। जब आप कैनल रन करते हो, हाँ जी, ठीक है, कॉमन चीज है, उसको हैंडल कर रहे हो तो ये बहुत ही कॉमन चीज है। ओके, अब मुझे बताओ डाइट का क्या सीन रहता है? डाइट का कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। हाँ जी, आपको मैं मॉर्निंग में डाइट भी दिखा चुका हूँ। हाँ जी, डाइट में मैं मेनली मैं जो देता हूँ, हाँ जी, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो आपको बताता हूँ। आप इसको 30-40% अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, उसमें मल्टी ग्रेन आप आटा यूज करो। हाँ जी, राइस यूज करो। ओके, और उसमें वेजिटेबल्स का यूज करो फिर आप। हाँ जी, और ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, वेजिटेबल्स 10-20% रखते हैं। हाँ जी, उसके साथ आप मिक्स करो कोई भी अच्छे क्वालिटी का डॉग फूड जिसके अंदर मिनिमम 32% प्रोटीन होना चाहिए। ओके, और मतलब एक अमाउंट की बात करेंगे, लाइक 4,000, 5,000, 3,000 खर्चा कितना जाता है अगर एक डॉग अर्जेंटिनो की बात करें तो? कितने भी महंगे शहर में, मुंबई में भी अगर आप इसे पालते हो, आई डोंट थिंक मुंबई से ज़्यादा महंगा कोई सिटी होगा। हाँ जी, हाँ जी, और मुंबई में हमारे बहुत सारे डॉग्स हैं तो वहाँ भी आपको 4,000-5,000 रुपये मैक्सिमम जी ये आपको कॉस्टिंग है। 4,000-5,000, ओके, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ जो ये खाते हैं, हाँ जी, वो हमारे कंजम्पशन की भी होती है। हाँ जी, हाँ जी, तो वेजिटेबल वेस्ट हो गए आप उसको इसके खाने में यूज कर सकते हो। ओके, कुछ फ्रूट्स हो गए जैसे नॉनवेज तो मस्ट होता है इनके लिए, लाइक नॉनवेज बिल्कुल मस्ट है। हाँ जी, आपको एग, चिकन, हाँ जी, या फिर नॉनवेज बेस्ड डॉग फूड डेली बेसिस पे देना है। बहुत बढ़िया, तो अब गाइस हम दिखाते हैं, देखो डॉग अर्जेंटिनो का कैनल वगैरह का भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो शूट करा है, का बिहेवियर का भी काफी शूट करा है। तो क्या है, बैम्बू फ्लोरिंग है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके, बैम्बू फ्लोरिंग है, इससे क्या होगा, नहीं डरो नहीं, आपको पीछे जाने की जरूरत है, ये ज्यादा से ज्यादा खेलेगा आपके साथ कपड़े के। ओके, ये देखो खेलना शुरू। ओके, मतलब इससे क्या होता है कि फ्लोरिंग है, इससे क्या होगा, इनके पैरों में कुछ स्क्रैचेस वगैरह, क्योंकि सीमेंट पे अगर इनको रखते हैं या फिर टाइल्स पे रखते हैं, टाइल्स स्लिपरी होता है आपको पता है, तो उससे इनके बोन में डिफॉर्मेशन आती है। ओके ओके ओके, ठीक है, क्योंकि ग्रिप नहीं बन पाता प्रॉपरली। हाँ जी, पंजे का। ओके, फिर अगर सीमेंट पे रखते हैं तो वियर आउट होता है, आपको पता है सीमेंट बहुत ही हार्ड सिरेमिक है और वो वियर आउट करता है इसके पैड्स को। ओके, तो बेटर है कि वुडन फ्लोरिंग हो या फिर मिट्टी पे आप रखो। बहुत ही बढ़िया, मिट्टी पे रखने के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसमें इन्फेक्शन वगैरह आ सकता है, तो चॉइस है मेरे डॉग को कि वो अंदर बैठे या बाहर बैठे, फ्रीडम है। ऊपर से मैंने पानी के लिए शेड दे रखा है कि ये पानी से बचा ले। और अपना पपीज वगैरह दिखाते हैं, डॉग अर्जेंटिनो पपीज दिखाते हैं, मैं आपको अपने कुछ और भी डॉग्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आपने ये सामने तो फीमेल देख ली, ये बेला है, उसने भी पपीज दे रखे हैं। ओके, ठीक है, एंजो, एंजो, आ जाओ। और मतलब ये ना काफी, मतलब इसकी हाइट वगैरह देखो, और ये ना बहुत डर सी रही है क्या अभी मेरे से? नहीं, डर नहीं रही है, एक्चुअली काफी एक्सपीरियंस फीमेल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये स्ट्रेंजर्स को थोड़ा अवॉइड करती है। कैमरा सही है ये पूरी, ये देखो काफी बड़ा इसका हेड है, और इंडिया में मेनली लोग हेड साइज ढूंढते हैं। किसका? इनको रिलैक्स करने का टाइम हो चुका है क्या अभी? हाँ, अभी ये वॉक से आए हैं तो फिर ये अभी रिलैक्स ही करेंगे। वॉक से आने के बाद मस्त रिलैक्स करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ये कौन, ये भी देखो एक फीमेल है, और यो है। ओके, इसी पे बोर अटैक हुआ था आपको बताया अभी, तो इसके बारे में हमने एक ब्लॉग बनाया है, बिल्कुल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट। उस तरफ से एक और डॉग दिखाता हूँ आपको, टेम्परामेंट देखो आप। ओके, ये देखो, एंड देन यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, ये भी डॉग अर्जेंटिनो है, छोटी बच्ची है। अच्छा, बच्ची है, बेला की पपी है। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, फीमेल है जो अंदर दिखाई थी। हाँ, हमने ये बेला की पपी है, हमने रिटेन किया है अपने लिए। ओके, ये भी हाइपर एक्टिव होते हैं बिल्कुल, है ना? बहुत 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 एनर्जेटिक। ओके, वैसे आपका क्या एक्सपीरियंस है इन डॉग को लेके, और आप प्रेफर करोगे कि डॉग अर्जेंटिनो आपको क्या, मतलब एक्सपीरियंस रहा है, लोग जानना चाहते हैं कि एक डॉग ओनर है
आपने डॉग अर्जेंटिनो पाला, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, लोगों को रेकमेंड करोगे आप? एज एन ओनर ऑल्सो एंड एज अ कह लो इसका ब्रीडर तो मैं टर्म यूज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि भी हर कोई ब्रीडर है, ठीक है, तो दोनों ही हिसाब से अगर मैं बोल लूँ तो डॉगो मेरे को बेस्ट लगे, बेस्ट सारी ब्रीडों में से। आई हैव ओन्ड लैब्राडोर ऑल्सो, जर्मन शेफर्ड ऑल्सो, लैब्राडोर घर में भी है। ओके, काफी डॉग्स थे स्टार्टिंग में भैया के पास, लाइक मैंने कवर करा है। और लेकिन जो एक्सपीरियंस डॉगो के साथ रहा है, आपने तो इसे लाइव देखा है, एक्सपीरियंस किया है। हाँ जी, मेरे पास अमेरिकन बुलिस भी थे, काफी डॉग्स थे, कीता हो गया, केन गोर्स हो गए, लाइक काफी डॉग ब्रीड थी जो मैंने भी इवन नहीं देखी थी। एट लास्ट मैं इस पे जाके रुक चुका हूँ। लास्ट ये है सूरज भाई डॉगो का पपी, ये देखो कितना छोटा सा, 17 टू 18 डेज अभी इसकी एज है। ओके, और अभी जस्ट टीथ आना स्टार्ट हुआ है इसका। हाँ जी, क्वालिटी जजमेंट का बोल रहे थे तो देखो क्वालिटी पैरामीटर्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उंगली काट ले रहे हैं, इंटरनेशनली व्हाइट कलर में आते हैं। हाँ जी, वर्ल्ड वाइड एक ही कलर है, कोई कलर नहीं आता इनमें। ओके, और ब्लैक नोज, ये पिगमेंटेशन धीरे धीरे आती है। हाँ जी, हाँ जी, 2 वीक से लेके 3 महीने के महीने तक आ जाते हैं, ब्लैक नोज हो जाएगी आपकी। आइस का जो कलर होता है वो आपका एप्रिकॉट से लेकर ब्लैक ब्लैक लाइट ब्लूइश भी हो सकता है। ओके, और मैंने एक चीज़ और सुनी है इनमें ना, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ एक होती है कि ये सुनाई नहीं पड़ता किसी किसी को, वो एक टाइप का आप कह लो ब्रीड के अंदर एक जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। ओके, जो कि सर्टेन ब्लड लाइन्स में डोमिनेंट है। हाँ जी, ठीक है, उन ब्लड लाइन्स को ब्रीडर्स ब्रीड नहीं करते, नहीं तो करने तो पहचानना भी थोड़ा मुश्किल होता होगा कि इसे सुनाई पड़ता है। क्या होता है कि जब आपके पास पपीज हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ओके, आउट ऑफ 8-9 पपीज किसी एक पपी का पार्शियल डेफ होना दैट इज कॉमन। ओके, और वो बाकी ब्रीड्स में भी आता है। हाँ जी, बट अगर आपको एक लीटर के अंदर 2-3-4 पपीज या पूरा लीटर भी बहरा मिलता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं लाइनेज में फॉल्ट है। क्या बात है, तो मतलब ये चीज है ना, मतलब लोगों को पता नहीं थी अभी कि इतनी भी ज्यादा होती है। और ये देख सकते हो ये पपी कितना एनर्जेटिक है, प्यारा है ये तो अगर उंगली दे दो ना तो उंगली सोचेगा भाई कुछ आ रहा है खाने के लिए। एक्चुअली ये क्या फीड वगैरह कर रहे हो आप इस टाइम पे? ये मदर फीड पे है, मदर फीड, और सेरेलैक भी इसको एक्सटर्नल हम दे रहे हैं, पपी का सेरेलैक जो होता है। ओके ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी को अपने फैमिली मेंबर बनाना है डॉग अर्जेंटिनो के, तो अब वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है? दे कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, ठीक है। ओके, मैं जो भी व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं, हाँ जी, उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो अगर आप बिल्कुल कमर्शियल थॉट लेके मुझे कॉल कर रहे हो, हाँ जी, ठीक है, कि चलो मैं दिल्ली में रहता हूँ या फिर मैं मुंबई में रहता हूँ और मुझे एक पपी दे दो, मुझे यहाँ से इतने का मिल रहा है, देन प्लीज डोंट कॉल, वो आप टाइम वेस्ट कर, ठीक है, ना तो मैं एक प्रॉपर ब्रीडिंग कर रहा हूँ। ओके, आप देखो ना तो मैं इनको केज में रखता हूँ, ठीक है, इनको अगर कोई प्रॉपर टाइम दे के, प्रॉपर फ्रीडम, प्रॉपर रिसोर्सेस दे के अगर इनको ब्रिंग अप कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, देन बी रेडी टू टेक केयर ऑफ द पपी एंड बी रेडी टू पे फॉर द पपी। व्हाट पीपल थिंक कि मुझे सस्ते में लेना है, 10,000 का लेना है, 15,000 का लेना है, ठीक है, तो भैया जब आप इतने का डॉगो अच्छे क्वालिटी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी क्वालिटी आगे कैसे मेंटेन रखोगे? ये भी तो क्योंकि इनकी डाइट ही 4-5,000 रुपए तो इनकी डाइट है महीने। डाइट इज नॉट एवरीथिंग, आप उसको टाइम दोगे क्या? टाइम दोगे, लाइक आप उसको उतना प्यार करोगे क्या उस पपी को? या फिर मेरे हिसाब से तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पपी को लेके जाते हैं, बांध के बंद करके रखेंगे, केजेस में रखेंगे, सॉक सॉक में ले लिया, सॉक पूरा करते हैं बस। एंड दैट इज द रीजन, सी मुझे भी ये कहीं ना कहीं फील हुआ एंड दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड माय केनल, क्योंकि मुझे लगा था कि ये इतने सारे डॉग्स को एक सिटी के माहौल में पालना थोड़ा मुश्किल है, ना तो अच्छा है और ना ही वैसा करना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। देखो ये कितना प्यार कर रहा है अभी से, जानने लगा है अपने मालिक को। भाई बच्चा देखो कितना प्यारा है। कोई भी डाउट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको अपने डॉग के साथ कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप कॉल कर सकते हो, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो वैसे आज की वीडियो में इतना ही, टिल देन बाय। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो देंगे डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह मेंशन कर रखे हैं मैंने, और लोकेशन वगैरह भी भैया ने बता दिए, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेना इनसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, पीस आउट।